बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ आयशाज कुकिंग कॉर्नर। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन चाउमीन, जिसका मतलब है स्टर फ्राइड नूडल्स। ये नॉर्दर्न चाइना की डिश है। तो चलते हैं अपने कुकिंग कॉर्नर की तरफ। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ मैंने चिकन बोनलेस ब्रेस्ट का पार्ट लिया है, आप थाई का भी ले सकते हैं। को चिकन को स्ट्रिप्स में काट लिया था, अगर आपको क्यूब्स पसंद हैं तो क्यूब्स शेप्स में काट लें। ऑयस्टर सॉस, क्रश्ड ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, सोया सॉस, कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 15 मिनट्स के लिए। अब सेकंड स्टेप, नूडल्स को बॉयल करना। पानी डालेंगे, यहाँ मैंने 3 लीटर पानी लिया है। अब डालेंगे सॉल्ट, घी, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसको कवर कर देंगे पानी के बॉयल होने तक। पानी बॉयल हो चुका है, अब इसमें नूडल्स डालेंगे। जो नूडल्स पानी से बाहर रह गए हैं, कोई बात नहीं, जब नीचे से नूडल्स कुक होना शुरू हो जाएंगे तो ऊपर वाले खुद ही पानी में आ जाएंगे। इनको 7 से 8 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे और फ्लेम हाई ही रखेंगे। नूडल्स को तोड़ के नहीं डालना, वो इसी शेप में अच्छे लगते हैं। जब तक नूडल्स बॉयल हो रहे हैं तो चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, सॉस बनाने के लिए। वाइट विनीगर, ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, क्रश्ड ब्लैक पेपर मिक्स करेंगे। नूडल्स बॉयल हो चुके हैं, अब इनको स्टेन करेंगे। टैप का पानी डालेंगे ताकि नूडल्स आपस में मिक्स ना हो जाएं। ऑयल स्प्रिंकल कर देंगे और मिक्स करेंगे ताकि नूडल्स आपस में जुड़ ना जाएं। अब अपने फाइनल स्टेप की तरफ, चिकन और वेजिटेबल्स को कुक करना। सबसे पहले घी, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर 2-3 सेकंड के लिए सौते करेंगे। इसमें मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट नहीं डाला, क्योंकि बास खाने ऐसे होते हैं कि इसमें फ्रेश चॉप्ड जिंजर गार्लिक डालें तो उससे खाने का फ्लेवर इन्हेंस होता है। अब इसमें डालेंगे मैरिनेटेड चिकन, मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। जब चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो इसमें डालेंगे चिकन की यखनी, ये ऑप्शनल है। इसमें मैंने 3/4 कप यखनी डाली है। 3/4 कप मीन्स 1/2 कप और 1/4 कप। इसको कवर कर देंगे और 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे हाई फ्लेम पर। यखनी का पानी खुश्क हो चुका है, चिकन भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स, अनियन, कैप्सिकम, इसको जूलियन काट लिया था, कैरेट, इसको भी जूलियन फॉर्म में काट लिया था। मिक्स करेंगे। वेजिटेबल्स को जस्ट हमने सौते करना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, के चाइनीज़ खानों में वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते, ये खिली खिली अच्छी लगती। वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो चुकी हैं, डालेंगे कैबेज, बंद गोभी। कैबेज को पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि वो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। अब साथ ही ऐड करेंगे नूडल्स, सॉस जो हमने तैयार की थी। नूडल्स डाल के जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब लास्ट में जाएगा ग्रीन अनियन, जिसको 2 इंच की लेंथ में काट लिया था, स्प्रिंकल करेंगे, मिक्स कर देंगे। चिकन चाउमीन रेडी है, माशाल्लाह से खिले खिले चिकन चाउमीन विद वेजिटेबल रेडी है। तो इंशाल्लाह ये खाने में भी टेस्टी होगी। चाउमीन को गार्निशिंग करेंगे स्प्रिंग अनियन के साथ। चिकन चाउमीन रेडी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।
का आज की हदीसे मुबारका। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहाइफ की तकसीम में अपने औलाद में बराबरी रखो, और अगर मैं किसी को किसी पर फजीलत देता तो औरतों को फजीलत देता। सुभान अल्लाह। इस हदीस मुबारका से हमें दो बातों का पता चलता है कि अगर तोहफे हमने अपने बच्चों में बांटने हैं तो उनको बराबर तकसीम करें, और दूसरा इस्लाम में औरत के मकाम, मर्तबे और फजीलत का पता चलता है। अल्लाह ताला हमें इस प्यारी सी हदीस मुबारका से फैजयाब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।